गुड मॉर्निंग एवरीबडी मजा नहीं आया मजा कर रहे हैं क्या गुड मॉर्निंग एवरीबडी ओके वेलकम टू द न्यू क्लास न्यू चैप्टर न्यू सब्जेक्ट एवरीथिंग एवरीथिंग न्यू ग्रुप ओ माई गॉड ग्रुप टू हाँ बट वो ही माँ वो चेहरा सेम है आइए हाँ स्टूडेंट सेम कुछ कुछ नए चेहरे देख पा रहा हूं मैं सुनिए तुम लोग भी क्या खुश हुआ है राजीव राजीव जितना खुश तो कोई नहीं है आओ आ जाओ चलो बातचीत नहीं सुनेंगे लास्ट क्लास लास्ट क्लास सर ये कैसा बात हुआ लास्ट क्लास आज पहला क्लास है लास्ट क्लास बेल के कुछ नहीं है अब से अगले क्लास से होगा ये वाला बात लास्ट क्लास आज पहला क्लास है तो पहले तो वेलकम आप लोग को ग्रुप टू के सब्जेक्ट की ओर आपका और भी ग्रुप टू का सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका होगा या हो रहा होगा जैसे कि एडवांस अकाउंट्स का देखा जाए तो हिसाब से आज ही पहला क्लास है हिसाब से टेक्निकली आज ही पहला क्लास है तो बाईबैक पहले से पढ़ चुके हो बट आज ही हिसाब से पहला लाइव क्लास आपका अकाउंट्स का भी है एडवांस अकाउंट्स का है और मे बी लास्ट बैच जो ये वाला चीज पढ़ रहा है क्योंकि अगले बैच से शायद सिलेबस चेंज हो जाए और उस वजह से एडवांस अकाउंट पढ़ने का मौका ही ना मिले सोचो कितने बेकार रहे उसका उसका पैसा आधा मतलब पूरा पैसा आधा हो जाएगा उसका दुख होगा दुख होगा दुख होगा दुख होगा दुख होगा उसके लिए दुख होगा मेरे लिए थोड़ी मेरा तो अभी भी वही दो सब्जेक्ट है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज है अब सुनिए आज हम एक नया नया दौर चालू कर रहे हैं तो हमको आपसे दो तीन चीज चाहिए एक एक प्यार एक नया कॉपी दे देंगे पुराना कैलकुलेटर और अपना कुछ इक्विप्ड और इक्विप्ड uh, और थोड़ा सा होता है ना क्या बोलो तो उसको बना हुआ दिमाग थोड़ा सा बना हुआ दिमाग क्योंकि मैं ये मान रहा हूं अब आप ग्रुप वन पढ़ चुके हो या एग्जाम भी दे चुके हो कितने लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं ग्रुप वन का हाथ ऊपर ग्रुप वन का एग्जाम दिया हुआ बैठे हैं यहाँ ओके एक दो तीन चार पांच पांच जन है ठीक तो वही तो हम तो हाथ उठाया पांच ओके तो आपके रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट बट अभी हम जो ग्रुप टू का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपके लिए क्या रोल अदा करेगा और तो और ये कौन सा एथ पेपर है जानते हो भगवान आठवा पेपर यानी क्या बोल रहे हो बता लास्ट पेपर जो भी पहली बार दोनों ग्रुप देंगे ना साथ में उनका ये आखिरी जब पेपर आएगा ना सत्रह दिन बाद मतलब एग्जाम के सत्रहवा दिन जब ये आएगा तो आपका हिम्मत आपका जितना मेहनत है ना वो बहुत ज्यादा चूर चूर हो चुका होगा कि आप थक गए हैं सर बस खत्म करो आज का पेपर और इस वजह से इस पेपर का एक खास बात बताता हूँ बहुत आसान है बट अगेन यही प्रॉब्लमों की वजह से पेपर में मार्क्स थोड़ा कम आता है एज कंपेयर टू शुरुआती पेपर लाइक अकाउंट्स कॉस्ट अकाउंट्स कॉस्ट में लोग नंबर पा लेते हैं चाहे पेपर कैसा है बट एफएम में पेपर आसान आने से भी नंबर उतना नहीं आता जितना आना चाहिए वो दो चार नंबर कम हो ही जाता है सर सर इसका रीज़न इसका रीज़न एक ही है लास्ट पेपर होता है ये एग्जाम का तो उस वजह से हमारा एफिशिएंसी थोड़ा नीचे जाके लास्ट लास्ट तक आते आते कमजोर हो जाता है बट नेवर हम इस सब्जेक्ट को इतना प्यारा रूप में पढ़ने वाले हैं तो आप लोग को लास्ट वाला चीज़ भी तुम्हारा फर्स्ट वाला चीज जैसा लगेगा और इसमें हमारा जो कंटेंट है वो आप जानते हो पूरा सिलेबस में दो पार्ट में ब्रेकड है बताओ एट का ए एफ एम एट का बी इज e. जितने लोग ग्रुप वन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या ऐसा और कोई सिस्टम आपके कोई सब्जेक्ट में हुआ करता था अच्छा टैक्स में क्या होता था बताओ डी DT? क्या वो भी आपका फोर का ए फोर का बी में बटा हुआ है एक और पेपर आप ग्रुप टू में पढ़ोगे एक और पेपर आप ग्रुप टू में पढ़ोगे ई आई एसर जो भी आपका दो पार्ट में बटा हुआ है सेवन का ए सेवन का बी खास बात इस पेपर के साथ क्या है ये भी एट का एट का बी है बट ये दो जो, दोनों जैसा नहीं है क्यों सर इजी है इसलिए बोल रहे हो ना ना सुनना वेरी इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करने से पहले जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं टैक्स का या टैक्स पढ़ चुके हो आपको मालूम है ना दो दो आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा टैक्स में आपको दो दो आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा क्वेश्चन पेपर एक होगा आंसर स्क्रिप्ट दो होगा क्योंकि वो अलग अलग जगह के पास चेक करने जाता है डीटी का पेपर अलग आदमी के पास जाएगा आईडीटी का पेपर अलग और एक एमसीक्यू का और बुकलेट रहता है जिसमें आपको सर्कल दे के आए ना कई लोग तो आप देखे होंगे तीन चीज जमा करना पड़ा होगा एम का बुकलेट में आप सर्कल की हो तीस क्वेश्चन एक क्या डी का बुकलेट और एक क्या आई का इस पेपर में ना तो एमसीक्यू है तो पहले तो वो बुकलेट हट गया दूसरा ये एक लौता पेपर है जो दो पार्ट में बटने के बावजूद एक ही पेपर है यानी इसको एक ही जन चेक करेगा चाहे वो एफ और ईको जो भी हो तो आपके लिए ये एक आसान बात है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपका बहुत बचेगा एग्जाम हॉल में जो वो पेपर में सर्कल मारना पड़ता है काफ़ी काम करना पड़ता है वो इस पेपर में बचेगा एज़ कंपेयर टू तो इस पेपर में कितना पार्ट है दो तो सर हम पेपर में किससे स्टार्ट करेंगे कैसे करेंगे क्या नहीं लगता ये सब बात लास्ट में करना चाहिए अभी इतना बुद्धि नहीं लगाएंगे अभी जानते हैं ये है क्या ये सब्जेक्ट है क्या वापस से पढ़ते हैं नाम क्या था बताओ फाइनेंस क्या FM, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा दूसरा नाम जानते हो एंड इको नहीं है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस प्यार से इको बुलाते हैं बट नाम क्या है मतलब फाइनेंस में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, of course है अरे इकोनॉमिक्स का रोल तो हर जगह है इवन एक सब्जेक्ट बन गया इकोनॉमिक्स के ऊपर तो तुम्हारा ग्रुप वन में कौन सा बोलो तो

मैक्रो का मतलब होता है ओवरऑल एक चीज के ऊपर नहीं काफी चीज़ों पे जो डिपेंड करता है पूरे देश का पूरे यूनिवर्स का पूरे वर्ल्ड का कैसे हम डेटा को इकट्ठा करेंगे तो आपका सिलेबस दो पार्ट में ब्रेकड है पहले फाइनेंस समझना नॉर्मल रूप में कोई बेसिक रूप में पैसों को और उसके बाद किसको समझना बताओ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को ओके फाइनेंस वर्ड से आप क्या समझते हैं एनी हाथ ऊपर करके सर ये हम फाइनेंस वर्ड को मीनिंग को हम ये देंगे फाइनेंस का मतलब अच्छा पैसा को मैनेज करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया फाइनेंस मैनेजमेंट होता है वो तो मैं तो अभी कहां तक रुक गया फाइनेंस तो तुम्हारा जवाब दो पैसा फाइनेंस मतलब पैसा जैसे तुम्हारे जेब में कितना है कुछ नहीं है अभी सौ रुपया तो होगा अच्छा 200 रुपया? दो सौ रुपया दो रुपया दो रुपया दो रुपया है दो रुपया है पचास रुपया है पचास रुपया, है, पचास रुपया. जितना भी है क्या वो तुम्हारे जेब में जो रुपया है वो तुम्हारे लिए तुम्हारा फाइनेंस है अब वो तुम्हारा फाइनेंस है वैसे ही तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी के पास क्या दिया हुआ है योगदान बताओ तो कि भैया हाउस होल्ड की जितनी चीज़ें हैं उसको जो पैसा मिलता है उनको महीना महीना भर का वो उनको क्या करते हैं बताओ मैनेज और उसके बाद उसी को खर्चा करके घर चलाते हैं वैसे ही पापा क्या करते हैं सर बिजनेस चलाते हैं और वो पैसा देते हैं घर मम्मी चला लेती है और हम क्या करते हैं सर दोनों का पैसा उड़ाते हैं हम उन दोनों का पैसा उड़ाते हैं हमारा काम वही है पैसा उड़ाना तो अभी आपका काम है पैसा उड़ाना और उनका काम है पैसा कमाना एग्जैक्टली एग्जैक्टली फाइनेंस ये दोनों चीज ही है फाइनेंस का मतलब एक ही है एक तो क्या पैसा कमाना और दूसरा पैसा उड़ाना अरे मजाक नहीं कर रहे हैं अब वो थोड़ा वर्ड को ठीक करेंगे यहाँ पे बट अपने जीवन में अपने क्या बोलते हैं कमाना और उड़ाना अब इसको देखो अपने यहाँ कैसे ठीक करेंगे वो बात का बात है ये दो बात हम करेंगे इस पूरे चैप्टर में और इस कमाने और उड़ाने को क्या करना मैनेज करना इस सब्जेक्ट का काम है इसको क्या बुलाते हैं बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलो एवरीबडी गेटिंग पॉइंट फाइनेंस क्या है ओके okay. आपको क्या लगता है आप तो अपने पैसे संभाल लेते हो कंपनी के ये पैसे कौन संभालता होगा इतना भारी वर्ड मत बोलो अभी से सर मालिक जैसे तुम्हारे पापा क्या खुद ही सी है सी समझते हो चीप नहीं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तुम्हारे पापा खुद ही सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तुम्हारे पापा खुद ही चेयरमैन है तुम्हारे पापा खुद ही एमडी है तुम्हारे पापा खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक लौते में तुम्हारे पापा खुद ही इंप्लॉयी है वो ही कपड़ा काट के दे देते हैं है कि नहीं बिजनेस में जब बैठते हैं इंप्लॉय भी नहीं चाहिए सब हम लोग सोल एंड होल एक है क्या पापा सब कुछ है हमारे लिए बिजनेस में हाँ सर एक एक ही जन सब चीज संभाल लेता है बट वही जहाँ स्केल बड़ा हो जाता है जब वो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस जिससे एक आदमी से संभलता नहीं है तो हम बोलते हैं कई बार हमको दे दे थोड़ा बट नहीं वो दोस्त है वैसे अविनाश सर का मुकू मिकू क्या मुक्की मुक्कू जो भी मुकिया अविनाश सर मुखिया बुलाते हैं उसको तो वो जो मुखिया है वो बेचारे से अकेला संभलता नहीं है इतना चीज तो वो अपने अंदर और पाँच छः आदमी लोग को रख के रखा है जो उसका पैसा संभालता है तो ये जो पैसा संभालने का योगदान या जो कैपेबिलिटी जो रखता है उसको क्या बुलाते हैं मालूम आपको फाइनेंशियल मैनेजर क्या बुलाते हैं उसको अब ये फाइनेंशियल मैनेजर हर कंपनी में अलग नाम से पुकारा जाता है कहाँ पे वो ऑफिसर होता है कहीं कहीं पे उसको हम ई बुलाते हैं कहीं कहीं पे हम उसको सी कहीं कहीं पे हम उनको मालिक बुलाते हैं यानी अल्टीमेटली जो कंपनी का या अपने बिजनेस का क्या देखता है फाइनेंस उसको क्या बुलाते हैं फाइनेंशियल मैनेजर कि क्या देख रहा है वापस से बताओ अरे वाह एकदम गंदा वाला बात करो बताओ कौन सा पैसा कमाना और पैसा उड़ाना अब इस बात को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में समझते हैं क्या करते हैं वो कैडन है बात आपको लिखो इस बात को नंबर वन क्या सिलेबस है हमारा सर एफ एम कॉपी में लिखेंगे एफ एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने मार्क्स का है गाईटी सो नहीं सिक्सटी फोर्टी मार्क्स का क्या है देखो मेरे ख्याल से आज अपना पहला क्लास है फिर भी मैं ये सब बकवास नहीं करना चाहता क्योंकि आप ये सब ग्रुप वन में बहुत सुनते थे पेपर पैटर्न है ना उसके बाद क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चैप्टर आता है भाड़ में जाए वो सब बात सब अपने आप पता चल जाता है लास्ट में जाके पता चल गया याद तो कुछ रहना नहीं है ऐसे भी तो ये सब याद क्यों करना बाद में देखते रहेंगे ना क्या है सिक्सटी मार्क्स का एफ है क्या चैप्टर्स है कितने वो सब बेसिक्स में आगे चलते चलते सुनते रहेंगे क्या डन न आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस एफ का हम करने वाले नंबर वन बेसिक्स आज का क्लास किसके ऊपर है बताओ तो बेसिक्स बेसिक्स में हम करेंगे पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर ए ऑफ फाइनेंश मैनेजर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मतलब फंक्शन मतलब बताओ तो फंक्शन काम उसका क्या काम है तुम बोले सर पैसा कमाना और पैसा उड़ाना हम इस वर्ड को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बोलेंगे मान लो वो बेंच वाला आदमी नाम बताइए भैया आपका चिराग दोनों जन का नाम चिराग है ओ माय गॉड दोनों को पूछे और दोनों का नाम चिराग कोई बात नहीं कोई एक को ले, ले लेते हैं चिराग वो वाला चिराग ठीक है चिराग वो एक शौक हो गया बोला एक मिनट तुम मेरा नाम कैसे जानता अरे तुम मेरा नाम कैसे ठीक है कोई बात नहीं चिराग वो वाला चिराग चिराग क्या करोगे सीए बन के बताओ कुछ कुछ मन में है तीन ऑप्शन देता हूं तुमको प्रैक्टिसिंग करोगे जॉब करोगे कि बिजनेस करेंगे तुम नहीं भी करते तो हम वो करवाता तुमको एग्जाम्पल में ठीक है वो बोला बिजनेस करेंगे क्या चीज का करोगे पापा का जो बिजनेस है उसी को टेक ओवर करके टेक ओवर क्या बोलूं साथ में मिलके करोगे पापा तो अभी देंगे नहीं मतलब तुम नौकरी करोगे अपने पापा के अंदर सीधा सीधा ये बोलो ना पापा भी बिजनेस नहीं देंगे तुमको पापा के अंदर नौकरी करोगे और उसका सैलरी भी नहीं मिलता मस्त बात है उसका सैलरी भी नहीं मिलेगा तुमको तुम्हारा कुछ कुछ वो अहमियत ही नहीं है तुम क्या किया कोई वैल्यू एडिशन नहीं बट ठीक है मान लेते हैं तुम नया बिजनेस करोगे क्या बिजनेस करना चाहते हो बोलो कुछ नया इच्छा है तो क्या कुछ 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 एक एक अच्छा पापा क्या करते है? क्या चीज का मैनुफैक्चरिंग तिरपाल का एक पक। वो नेचर करता है सुनो तिरपाल समझते हो आप तिरपाल क्या होता है बताओ तो ब्लू ब्लू कलर का देखे हो वो जो जो बारिश रोकने के लिए तिरपाल एक आ बहुत ही बहुत ही कलर का आता तुम, तुम है या मान लो अभी वो खुद ही अपना फाइनेंस मैनेज करता है अभी तक उसको कोई हिम्मत नहीं मिला आदमी रखने का तो अगर वो खुद फाइनेंस चालू करना चाहता है बिजनेस चालू करना चाहता है समझो पापा का बिजनेस नहीं है क्या करोगे सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले बिजनेस चालू करने के लिए क्या करोगे शार्क टैंक में जाएंगे बताओ एग्जैक्टली exactly, क्या करोगे वो जो शार्क टैंक में जाते हो क्या करने के लिए पैसा लाओगे अच्छा वो बोल रहा है हम पैसा लाएंगे एक मिनट मेरे को उसका बात समझ में नहीं आया देखो हम क्या बोले तुम धंधा चालू करने से पहले सबसे पहले क्या सोचते हो मैं आपसे जवाब मांगता हूं तो तुमने बोला पैसा लाएंगे मैं एक बात बोलू आप ये नहीं सोचे मैंने बहुत पहले एक बात बोला जो आपने सुना भी नहीं या ध्यान नहीं दिया सबसे पहले वो से ये सोचा कि वो तिरपाल का बिजनेस करेगा मेरा बात समझना पैसा लाना सिर्फ काम नहीं होता पहला काम क्या है करना क्या है पैसा ला के उसका करेंगे क्या तो उसका क्या करेंगे वो पहले सोचते हैं क्या करेंगे बताइए उससे बिजनेस और किस चीज़ का बिजनेस सोचा वो किस चीज़ का सोचा वो तिरपाल का बिजनेस अब जो ये तिरपाल का बिजनेस सोचा यानी वो तिरपाल के बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहता है या पैसा लगाना चाहता किस बिजनेस में इसको हम बुलाते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या बुलाते हैं बोलो तो अच्छा लगा वर्ड यूटिलाइजेशन मतलब क्या पैसों को यूज करना दूसरा नाम दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड क्या वर्ड बोला बोला तो ये। अच्छा लगा है दोनों बात ठीक है इसको करने के लिए उसको क्या करना होगा अब पैसा जुगाड़ना होगा किससे मांगोगे बच्चा चिराग इतना होशियारी नहीं अभी कौन कौन देगा तुमको और कोई नहीं देगा ए, इन्वेस्टर बोल रहा है मेरे पास मुंह खोल के भी मत आना मांगने पैसा ना साग टैंक में देखते हो ना कैसे डोगलापन निकालता है वो लोग मुंह खोलना भी मत वो लोग ऐसा इज्जत ले लेगा कि तुम क्या किए हो ऐसा या क्या है तुम्हारे पास जो हम तुमको पैसा दे ये बोला हम बैंक के पास जाएंगे बैंक तुम्हारा बैलेंस शीट देखना चाहेगा या तुम्हारा चेहरा देख के तो नहीं देगा चेहरा देख के देता तो उल्टा और नहीं देता बट चेहरा देख के तो पैसा नहीं देता है वो वो तो कोई डेटा पे बात करता है डेटा भी क्या है सर कुछ नहीं अभी तो पॉकेट मनी कमाते हैं दो सौ रुपया दिन का हाइएस्ट है कि नहीं तो पैसा कौन देगा शुरू में आप exactly नवीन क्लासेस जब नवीनाश संजेती और नवनीत मुंद्रा नवीन क्लासेस खोले 2016 7 मार्च को तो तब हम लोग के पास पैसे नहीं थे और बैंक चेहरा देख के पैसा देता नहीं मैंने पहले भी बोला देखता तो उल्टा नहीं देता तो वो पैसा देने वाला नहीं था और किससे मांगने जाए दोस्त यार से बोलते हैं तो वो बोलेगा भाई हम कहाँ से लाएगा उस समय किसके पास जाएंगे मुक्कू भाई तब इतने अच्छे दोस्त नहीं बने थे तो सुनिएगा एक ही लौता आदमी बचा हम लोग का जीवन का पापा अब बोले यार पैसा चाहिए बिजनेस करना बोले यार पैसा चाहिए बिजनेस करना कितना हम बोला हम सच बता रहे हम अपना स्टोरी बता रहे हैं डेढ़ लाख रुपया लगेगा पापा अविनाश संचेती भी बोला अपने पापा को डेढ़ लाख लगे दोनों का पापा एक ही बात बोला कब तक देगा और कितना देगा कब तक देगा और कितना देगा हम समझा नहीं था हम बोला क्या बोलना चाहते हो बोले कितना दिन में पैसा वापस कर देगा लल्ला हम बोला छ महीना एक टर्म होता है छः महीना बाद दे, दे देंगे बोला कितना देगा बोला ले डेढ़ लाख रहे तो सोच क्या रहे हो आप कितना लेगा बोला तुम मेरा ब्याज है हम तेरे से ब्याज नहीं ले तुम खुद ही इंटरेस्ट है एक अब हम तेरे से इंटरेस्ट नहीं ले। पापा हम बचपन में गाना गाता था आपके लिए ऐसे कर रहे हो पापा मेरे पापा और आप आज बोल रहे हो इंटरेस्ट ये कब से आ गया पापा पापा बोले देखो भाई चाहे तुम हो चाहे कोई हो हम पैसा ब्याज पे ही लगाएंगे तो सच में आई एम नॉट जोकिंग मेरे पिताजी मेरे को छह टका ब्याज पे पैसा दिए थे यानी सिक्स परसेंट ब्याज पे पैसा दिए थे बाजार में वही उस समय वो नाइन परसेंट पे या दस परसेंट पे लगाते थे बोले तुम अपना है इसीलिए थोड़ा कम हम बोला अपना है हम पूरा आप ही तो है और आप बोल रहे हो अपना है इसीलिए तो कम मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी तो भी बोल रहे छह परसेंट लगाएंगे वहां अविनाश के घर में सेम स्टोरी चल रहा था उसका पापा थोड़ा दयालु था उसको पाँच परसेंट पर लगाए और मेरा पापा थोड़ा ज़्यादा बनिया था वो बोला छः परसेंट लेंगे ठीक है मा रविनाश लेके आए डेढ़ लाख एक बार तो उन्हीं से लेंगे लेके आए छः महीना कमाए जैसे तैसे पैसा आया अब दिमाग में ब्याज भी चल रहा है छः क्यों लगाए तीन महीना में वापस देंगे हमारा तो पैसा प्री आ जाता है तुम लोग भी दे देते हो ना पहले तो हम लोग भी फाउंडेशन पढ़ाना चालू किए पैसा आना चालू हुआ इकट्ठा किए अपना खर्चा निकाले और बोले देखो अब पैसा बच रहा है डेढ़ लाख बच गया था दोनों के हाथ में हमला दे के नक्की करते तीन महीना का ब्याज तो बचाए उस दिन एक बात सीखे धंधा आसान नहीं है करना चाहे वो अपना बाप से भी करना आसान नहीं है करना और वो तुम पे भरोसा तब तक दिखाता है जब तक तुम पढ़ते हो जब तुम यही बात करोगे ना धंधा करना है वो भरोसा नहीं दिखाएंगे क्योंकि तुमको उसको प्रूफ करना होगा कि क्या तुम ऐसा दे सकते हो पक्का तुम धंधा कर रहे हो तो कुछ कमा रहे हो थोड़ा हमको भी दे दे बाकी तुम रख बाकी पैसा हमको नहीं चाहिए थोड़ा हमको दे दे वो जो थोड़ा है वही छह पड़ता तो हम तो कुछ दिमाग में सोचा होगा ना कुछ कमाना होगा जिससे वो ब्याज भी पूर्ति करना है मेरे को और अपना प्रिंसिपल भी पापा को देना एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड तो मैं उसके लिए भी यही बोल रहा हूँ जब वो सबसे पहला चीज सोचा तो वो क्या बोला पैसा लाना होगा बट उससे पहले वो क्या सोचा क्या करना होगा नवनीत तो मुन्द्रा विनाश संचे डेढ़ लाख सोचा होगा ना कि डेढ़ लाख से धंधा चालू हो जाएगा यानी तीन लाख मिलाएंगे तो धंधा चालू कर सकते हैं जो एसेट्स लेना है जो जगह भाड़ा पे लेना है जो काम करना है उसके लिए क्या लगेगा तीन लाख रुपया लगेगा और उससे पापा से एक बार लेके काम चालू कर सकते तो दो डिसीजन था बताइए कोई भी फाइनेंस के लिए पहलामेंट सॉरी पहला, पहला इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड क्या बोले बताओ जिसको क्या बोलते हैं एक और नाम यूटिलाइज दूसरा काम इज प्योक्योरमेंट ऑफ फंड तो मैंने बोला ना पैसा लाना भी तो पड़ेगा उसको क्या बुलाते हैं बोलो प्योक्योरमेंट ऑफ फंड जैसे ही ये दोनों काम होगा तब आप एक बिजनेस कर सकते हैं आपके पास एक आइडिया होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास पैसे का पीछे बैकअप होना चाहिए अगर ये दोनों हैं तो काम कर सकते सर मेरा भी कुछ सेविंग्स था हम डाल दिए घंटा सेविंग्स तुम्हारा तुम्हारा कौन सा सेविंग्स कभी आज तक सेविंग किए नहीं होंगे बट सपोज था मेरा था मेरे पास बीस हज़ार रुपया पड़ा था वो हम खुद का डाले अविनाश सर के पास चालीस हज़ार रुपया था वो अपना खुद का डाला ज़्यादा खर्चा कर दिए थे बट वो अपना चालीस हज़ार डाला था हम बीस हजार डाला था तो इस तरीके से क्या हमने अपना पैसा और अपने पापा मत बोलो अब पापा मत बोलो इन्वेस्टर वो भी कौन डेट होल्डर का पैसा डाला ना हमने डेट होल्डर का पैसा डाला ना तो इस बिज़नेस को चलाने के लिए काफ़ी फंड्स लगते हैं और इस बिजनेस को चलाना दो तरीके से होता है आप ये चीज़ ऑलरेडी अकाउंट्स में जानते हो बताओ क्या क्या दो तरीका होता है कहाँ पैसा लगाओगे हम ये धंधा किए होंगे तो हम कहाँ पैसा लगाया होगा वेरी गुड एसेट्स में दो तरीके के एसेट्स होते हैं नाम बोलूँ एक हम बेंच खरीदा होगा है कि नहीं हम हम ए खरीदा होगा करेक्ट हम टी खरीदा होगा करेक्ट हम आई खरीदे होंगे वो सब क्या है मेरे लिए अच्छा हम साथ ही साथ दो आदमी रखा था तो धंधा चलाए हम साथ ही साथ बुक्स बुक्स प्रिंट किया था वो सब क्या है मेरे लिए डे टू डे एक्सपेंडिचर मेरा रेंट लग रहा था भाड़ा जगह का क्या ये सब भी खर्चा मेरे को निकालना है देर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स बताओ क्या क्या फिक्सड और वर्किंग कैपिटल मैं वर्किंग कैपिटल बोलता हूँ क्या यही पैसा आना होता है और एक को क्या बोलते हैं पैसा लगाना आप बैलेंस शीट को आज तक कैसे देखते थे क्या ये बैलेंस शीट होता था आपका शेड्यूल थ्री हो गया क्या मेरे को ये बड़ा प्यारा लगता है क्या पहले आप ये वाला प्यारा रास्ता देखते थे इस तरफ क्या लिखते थे बताओ तो अली लाइबिलिटीज बोलते थे वेरी गुड आप बचपन में बोलते थे इसको कैपिटल प्लस लाइव और यहाँ क्या लिखते थे क्या बचपन की बातें क्लियर है अच्छा इसका टोटल और इसका टोटल टैली करता था बैलेंस शीट पहले आपको बैलेंस शीट ऐसा दिखता था है कि नहीं अब देखो कैसा दिखेगा अब कैसा दिख फाइनेंस बैलेंस शीट को देखने का नज़रिया कुछ और बोला बट उससे पहले एसेट और लाइबिलिटी साइड आता क्या है? कुछ लिख रहा हूँ बताओ यहाँ क्या क्या लिखते हो कैपिटल है ना और क्या आता है बताओ और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कि नहीं अब वो बहुत चीज़ें हैं उसमें मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ और फिर क्या लिखते हो करेंट लाइबिलिटी इधर बताओ फिक्सड एसेट और एक क्या आता है बस इतने सी कुछ बातें मेन मेन बात मैंने कर दिया आप बैलेंस शीट ऐसे देखते थे फाइनेंस बैलेंस शीट ध्यान से अगर देखो तो वो रेड कॉलम क्या है और ग्रीन कॉलम क्या है मेरे धंधे में ये रेड क्या है और ग्रीन क्या रेड क्या है रेड क्या है फंड्स कहां कहां से आए क्या खुद का पैसा लगाए हैं कि बाजार का पैसा लाए हैं खुद का पैसा मतलब कैपिटल बाजार का पैसा मतलब बोरोइंग और ये ग्रीन क्या है पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की क्या यही पैसा हम अल्टीमेटली बिजनेस में लगाते हैं दिस इज कॉल्ड वाटर बोलो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और ये क्या है बताइए इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड क्या ये फिक्स्ड एसेट्स और ये वाला पार्ट कोई आप क्या बुलाते थे क्या आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया क्या ऑलरेडी आप जानते हो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी क्या होता है वर्किंग यानी ये वाला जो कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डे टू डे ऑपरेशन और ये वाला पोर्सन क्या कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये वाले बातें क्या कर रही हैं सर बोरोइंग सॉरी मतलब बोइइंग और एक क्या कैपिटल तो ये सब क्या है मेरे लिए ट और वो पार्ट क्या है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कोई काम है कोई भी फाइनेंस मैनेजर का पैसा कहां से लाना है और पैसा कहाँ लगाना है? क्या बोलो डन हो रहा है बात बैलेंस शीट किस नजरिए से देख रहे हैं क्लियर है ऑफ 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 फंड 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 यस यस और और नो नो इज टू इन्वेस्टमेंट कैसे ऑलरेडी न्यू दिस क्या आपको पता था बैलेंस शीट टोटल मैच करेगा तो अल्टीमेटली हम किया क्या देखो हम आज तक आप बचपन में एक बात पढ़ते थे एक लाइन बोले थे अविनाश भैया बैलेंस शीट इक्वेजन याद आ रहा है आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट जब किए थे क्या वो आपको ये बात लिखवाए थे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू तो इस, इसको क्या बुलाते थे तुम अकाउंटिंग इक्वेजन याद है मैं फाइनेंसिंग इक्वेजन बोल देता हूँ काफी आराम लगेगा मेरे लिए हो गया कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बॉर्डर इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस कर क्या ये भी बराबर होगा अगर तोड़े तो तुमको मैथ्स दिख रहा है या नहीं ये हो गया तुम्हारा क्या सोर्सेज ऑफ फंड क्या बुलाते हैं इसको सोर्सेज ऑफ फंड और ये क्या हो गया बताओ इन्वेस्टमेंट क्या ये मैथ समझ में आ रहा है हम इस दो तरीके से देखते हैं अविनाश सर बैलेंस शीट वैसे देखते हैं हम बैलेंस शीट हम सोर्सेज ऑफ फंड और किसमें बांटते हैं इन्वेस्ट कोई भी धंधा कुछ भी करने के लिए ये चीज़ चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा मैनेज करना तो पहले क्या करना है बताओ बताओ सर आइडिया होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए सर उससे पीछे का बैकअप पैसा कहाँ से लाए दो तो जगह से ला सकते हैं कहाँ कहाँ खुद का और एक बाजार का पापा भी बाजार है अभी ठीक है ना फॉरवर्ड फंड और बताओ इस तरफ इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करते हैं और इस सब चीज का मकसद क्या है वाई यू वॉन्ट टू डू क्यों कर रहे थे चिराग ये सब क्यों वेरी गुड क्या बोला वो सुनना वो बोल रहा है हम पैसा कमाने के लिए सब काम कर रहे हम बोल रहे हैं तुम एकदम गलत बोल रहे तुम पैसा कमाने के लिए नहीं ना ना, ना, ना। तुम अपना वेल्थ बढ़ाना चाह तुम्हारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तुम्हारा मकसद है एक नाम पे घर हो मेरा एक नाम पे गाड़ी हो तभी तो वो आएगी है कि नहीं क्या चाहिए हमारे पास बताओ घर चाहिए सर पैसा ये डायलॉग सुनियो मेरे पास घर है मकान है पैसा है मेरे पास माँ है पाण में गया माँ खुद उस बेटे के पास रहेगी जिसके पास घर है बंगला है गाड़ी है। वो भी तो यही बोलेगी तुम रहन दे उसके पास जाना होगा तो क्या चाहिए बताओ मेरे को घर पैसा गाड़ी सब चाहिए कि नहीं चाहिए तो सर एक लिविंग हुड के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं और कुछ नहीं यानी यू डोंट रिक्वायर योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट कमाना योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ क्रिएट करना पूंजी कमाना समझे वर्ड क्या बोले पूंजी तुम्हारे लिए पूंजी क्या है सर ज्वेलरी मेरे नाम पे होना चाहिए मेरे पास ज्वेलरी सोना चांदी पुराने जमाने में यही था ना सोना चांदी से नापते थे किसके घर पे कितना सोना है और 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 क्या सर घर पे कितना नाम पे कितना जमीन है जमीन देखते थे कि नहीं तो पुराने जमाने में आप कैसे कोई आदमी को बोलते थे कि ये पैसा वाला है कि नहीं सर उसके नाम पे घर कितना है जमीन कितना है सोना चांदी कितना है उसके पास गाड़ी घर कैसा है कितना कितना पैसा है उसके पास यही सब तो देखते थे कि उसका प्रॉफिट बिजनेस का देख के लड़की को देते थे नहीं सर क्या देखते थे बताइए घर जब भी कोई पार्टी मिलते थे ना अरेंज मैरिज में वो लोग ये नहीं देखते थे लड़का क्या कर रहा है वो लोग देखते थे घर में पैसा कितना क्या बोलो बात समझ में आ रहा है एकदम सही बात बोल रहा हूँ तो तुम्हारा मकसद ये था ही नहीं मतलब तुम्हारा मकसद शादी करना नहीं तुम्हारा मकसद क्या है सर पैसा होना चाहिए पैसा होना चाहिए तो पैसा जो होना चाहिए अल्टीमेटली उसके लिए आपको क्या करना होगा पैसा कमाना तो पड़ेगा हाँ सर बट ये पैसा होने के लिए भी तो क्या करना होगा प्रॉफिट कमाना होगा तो जाके हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं घर खरीद सकते हैं हम हम क्या क्या कर कर सकते 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 हैं 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 बोलो जमीन खरीद खरीद गाड़ी सकते हैं। ये सब पे है। क्या सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही धन आएगा जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है ये थोड़ा समझाओगे प्राइम मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइम मोस्ट ऑब्जेक्टिव बोलो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो वन ऑफ द रीजन है कि वेल्थ में क्या बोले एक वर्ड बहुत ध्यान से सुन बट ये सोल रीजन नहीं है क्योंकि दिमाग में यही आ रहा है प्रॉफिट होगा तभी तो वेल्थ होगा आ रहा है कि नहीं बेस्ट एग्जाम्पल दिन भर खाते हो तो क्या नेटवर्थ है इसका चेक करे जोमैटो तो कितने का नेटवर्थ है दिख रहा है नहीं वो तो अभी का नहीं है अगर मैं अभी का बात करूं तो मार्केट कैप कितने का है बिलियन जानते भी हो सौ करोड़ दिख रहा है आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है कितने का वर्थ का बिजनेस है क्या ये खुश होगा इसके शेयर होल्डर क्या इतने के मालिक हैं है ना जितने भी शेयर होल्डर तुम अगर सपोज कर लो एक परसेंट शेयर होल्ड करते हो तो भी तो तुम कितने वैल्यूएबल हो गए सोच पा रहे हो 1%, एक परसेंट एक शेयर नहीं बोला बुड़वक एक परसेंट शेयर अगर होल्ड करते हो तो तुम कहाँ पहुंच गए तुम समझ पा रहे हो तो अगर ये बात अगर क्लियर है तो एक काम करते हैं जो तो का क्या देखते हैं प्रॉफिट ये कितने का आया इस बार देखो इस बार कितने का प्रॉफिट किया 181.7 करोड़ का प्रॉफिट आइए इसका हम आपको जिस समय ये क्या मारा था बताओ आईपीओ मतलब क्या जब ये लिस्टिंग किया अपना शेयर्स आइए ये रहा। जोमेटो का प्राइसिंग क्लियर है आपके पास ये रहा इसका टोटल रेवेन्यू टोटल प्रॉफिट लॉस पहले यहां देखो ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर व्हाट टैक्सेस ये कौन से साल का है सर मार्च 23 दिखा आपको ये क्या है मार्च 22 यानी इससे प्रीवियस ईयर कितने का लॉस था 1000 नहीं ये रुपीज इन क्या चल रहा है आपको मालूम ये रुपीज इन करोड़ चल रहा है यानी कितने का लॉस था लास्ट ईयर बोलो ग्यारह 1100 करोड़ का नुकसान था लास्ट ईयर तब भी तो इसका वैल्यूएशन था इस साल जाके फाइनली कुछ प्रॉफिट आया पिछले कई सालों तक क्या डिनोट कर रहा था चेक करो क्या उसके बिना इसका वैल्यूएशन था उस समय हाँ अभी बढ़ गया बट उससे पहले भी तो था कि नहीं था था सर कैसे हो सकता है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन कैसे आ गया कैसे वो पैसा हो गया फ्लिपकार्ट खरीदते हो मिंत्रा को टेक ओवर किया कितना कितना चीज को टेक ओवर कर रहा है आज तक प्रॉफिट जीवन में नहीं देखा है बट उसका वैल्यूएशन जहाँ आसमान छू लोग मर रहे हैं उसको टेक ओवर करने के लिए व्हाट्सएप व्हाट्सएप एक लॉस मेकिंग कंपनी जिसको कौन लिया फेसबुक कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदा आपको मालूम है सिक्सटी सिक्स बिलियन डॉलर्स में अपने व्हाट्सएप को बेचा था व्हाट्सएप ने किसको फेसबुक किस वजह से ये सब चीज कैसे चल रहा है अब यही तो सीखना है अपने को कौन से सब्जेक्ट में फाइनेंस ठीक एक लौता रीजन क्या नहीं होता बताओ प्रॉफिट क्या कमाने के लिए पूंजी कमाने के लिए तो सर और क्या होता है सीखेंगे बट वन ऑफ दी रीज़न तुम क्या जानते हो प्रॉफिट तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव तो है बट वो मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वेल्थ में आप टैंक में देखते हो ना यही सब चीज़ तो नहीं समझ में आता है वो लोग जो वैल्यूएशन करते हैं उसके पीछे का वो इन टू एक्स फैक्टर क्या है वही तो सीखना है तुम लोग को जिससे तुम लोग भी वो जवाब तबाब कर सको तो वो इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में डन है आपको बात आगे बढ़ सकते हैं एवरीबडी लिखना इस बात को क्या लिख रहे थे यहाँ तक अभी तक बताओ फंक्शंस ऑफ वॉट फाइनेंशियल मैनेजर बताओ कितने फंक्शंस है तो क्या क्या बोला बताओ एक लिखो नंबर वन नंबर वन प्योक्योरमेंट ऑफ फंड प्योक्योरमेंट ऑफ फंड यानी क्या बताओ पैसा कहाँ से लाए लिखो फ्रॉम वेयर टू प्योक्योर जी जल्दी से बताना क्या क्या रास्ते तुम्हारे पास दिख रहे हैं तो रियल लाइफ में भी यही दो रास्ते होते हैं क्या दो रास्ते होते हैं बताओ एक मैं वर्ड देखो क्या बोल रहा हूँ अच्छा लगे तो बताना चलेगा ये वर्ड क्या लिखा बोलो तो एक खुद का पैसा और एक क्या बाजार का पैसा अब सर इसमें बहुत कैटेगरी आएंगे बट पहले बोलो मेन टू सब कैटेगरीज क्लियर है खुद का पैसा लगाएंगे या तो बाजार का पैसा लगाएंगे तो आओ लिखते हैं क्या बोलो डन है ओके okay. इतना करने के बाद सेकेंड क्वेश्चन या सेकेंड फंक्शन बताओ इन्वेस्टमेंट कहा लगाओगे पैसे ये किस क्वेश्चन का जवाब देता है फेयर टू वेस्ट फेयर टू इन्वेस्ट पक्का जल्दी से बताना ये भी कितने जगह के लिए फ्रॉडली टू बताओ कहां, कहां? Uh, एक बिग डेसर्ट और एक इसको आप बोलते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक को क्या बुलाते हो डे टू डे इन्वेस्टमेंट है ना डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए जो पैसे चाहिए क्या वर्किंग कैपिटल फुल फॉर्म आता है आपको पता है क्या होता है लिख सकते हो ब्रैकेट में सी ए माइनस सी एल क्या ये सब टर्म्स आपको ऑलरेडी आता है ग्रुप वन पढ़ चुके हो या दे चुके हो या पास हो चुके हो। ना कुछ तो भी तभी यहाँ तक पहुंचे हो तो भैया सीए माइनस सी एल हम जानते हैं करेंट एसेट्स माइनस होपफुली क्या ये दो फंक्शंस क्लियर है आपको अब सुनना ये लोअर लेवल में यही दो काम होता है हायर लेवल में बड़े लेवल में एक तीसरा काम और होता है फाइनेंशियल मैनेजर पैसा कमा तो लिए अब पैसा को क्या करना है इन्वेस्ट कमाना नहीं बोले मैंने मैंने प्रोक्योर किया और फिर क्या किया इन्वेस्ट किया ये इन्वेस्ट करने से क्या होता होगा रिटर्न आता होगा पैसा आता होगा ये पैसा आता होगा तो क्या करते हो गए ये जो पैसा आता होगा इसको क्या करते हो जो मालिक पैसा लगाए थे और जो लोगों से पैसा लिए थे क्या उनको वापस देना पड़ेगा तो ये सर्कल तीसरा सर्कल सुनना ये जो पैसा कमाए अब इससे क्या करते हैं बताओ पैसा को रीपे करते हैं तो वो मांगे थे जैसे मेरे पिताजी क्या मांगे थे हमसे छह परसेंट मांगे थे कि नहीं तो मैंने उनको क्या किया उनका पैसा दिया उनको वापस मुंह पे नहीं मारे दिए वापस और साथ साथ में क्या दिए ब्याज तो वो मैंने कैसे किया मैंने कमाया और पैसा वापस क्या किया रीडिस्ट्रीब्यूट तो so, इस चीज को क्या बुलाते हैं बताओ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स ये भी किसका काम है फाइनेंशियल मैनेजर का तो तीसरा काम लिखोगे बताओ थर्ड काम क्या वर्ड बोलो रीडिस्ट्रीब्यूशन री डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूट्रीब्यूट देखे हाउ टू रीएलोकेट दी फंड जेनरेटेड हाउ टू री एलोकेट दंड जेनरेटेड बताओ क्या क्या कैसे कैसे करते होंगे सर वो तो डिपेंड करता है कौन पैसा लगाया है जल्दी से बताना अगर ओन फंड को वापस पैसा देना है तो क्या दोगे वेरी गुड वेरी गुड आप जानते हो आप आप मालिक लोग को इंटरेस्ट नहीं पे करते डिविडेंट वर्ड यूज करते हो है कि नहीं मालिकाना हक वाले लोग के लिए वही नहीं को आप अच्छा नाम देते हो क्या डिविडेंट दे रहे हैं। और वही वहां पे बोरोड फंड को क्या बोलते हो बोलो इंटरेस्ट दे रहे अच्छा ये डिविडेंट देना ना देना वो तुम लोग कंपनी लॉ में पढ़ा है कि इक्विटी वाले के लिए ऑप्शन है चाहे तो देंगे चाहे तो नहीं देंगे तो सर नहीं देंगे तो कैसे मिलेगा अरे कैपिटल अप्रिसिएशन भी तो एक तरीका है तो सर ये जो हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसा बांटना तो वही तो हुआ बट इसके साथ साथ एक और चीज होता है उनका क्या वैल्यू क्रिएशन तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ रीएलोकेट ऑफ फंड एक तरीका है क्या देना बताओ डिविडेंड क्या पे ऑफ करना डिविडेंड किन को करेक्ट इन्वेस्टमेंट या ओन टू ओन फंड देते हैं इंटरेस्ट टू वॉटरबडी अब यही तो जानना है ये प्रोसेस कैसे घूमता है चक्कर कैसे घूमता कौन कर रहा है ये चक्र व्यू फाइनेंशियल पूरा रचना उसी का है। और ये पूरा कंप्लीट करेगा पैसा लाना से लेके वापस मालिकों तक पैसा पहुंचा डन है आपको बात सर ये काम करने का उसका कारण क्या है उद्देश्य क्या है किसके लिए वेल्थ क्रिएट करना ऑफकोर्स मालिकों के लिए ऐ सुनो ना हमारे लिए वेल्थ क्या था वापस से पूछे थे बताओ हाँ चांदी और बोलो जमीन करेक्ट एक कंपनी का वेल्थ क्या है एक कंपनी का वेल्थ क्या है आप एसेट्स बोल रहे हो मैं बोलता हूं उसका शेयर प्राइस आज वो कंपनी कितना वेल्दी है तुम उसको क्या देख के बोलते हो जैसे अभी तुमको दिखाया तुम कहाँ खुश हुए थे वो जोमेटो का क्या देख के मार्केट वैल्यू प्रॉफिट देख के नहीं क्या देख के मार्केट वैल्यू देख के चमक आया एक चेहरे में कि अगर हम इसका इतना शेयर होल्ड करते हैं तो मेरा औकात इतना है या मेरा वैल्यू इतना है करेक्ट एवरीबडी तो वेयर फ्रॉम वेयर वी एनालाइज कि कंपनी का वेल्थ क्या है बताओ उसका शेयर प्राइस यानी उसका मार्केट वैल्यू डिफाइन्स डिफाइंस डिफाइन्स वेल्थ और प्रॉफिट डिफाइंस वॉट प्रॉफिट मतलब वो क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो दो ऑब्जेक्टिव है लिखना लिखना नेक्स्ट लाइन कहां तक लिखे थे फर्स्ट पॉइंट क्या था बोलो फंक्शंस तो बी बी वेरी इंपॉर्टेंट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या बोलो किसका फाइनेंशियल मैनेजेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर बताओ नंबर वन गलत फिर गलत क्या है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वेरी गुड वेल्थ मैक्सिम क्या बड़ा करना है सर पूंजी ना होना चाहिए कि हम लोग आराम से अपना जीवन जी सके तो इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिम लिखना इसके अंदर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज दी वेल्थ ऑफ द कंपनी दंपनी ओनर्स डेट इज कॉन बताओ कौन होते हैं शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर टू बी वेरी प्रिसाइज क्या बोलते हैं उनको equity shareholder that is equity shareholder full stop the wealth of a equity shareholder the wealth of a equity shareholder is the market value of its share ऑफ इट्स शेयर्स करेक्ट एवरीबडी उसके लिए वेल्थ क्या है जो उसके पास क्या है शेयर का भाव तुम आज रिलायंस का एक शेयर होल्ड करते हो तो तुम क्या बोलोगे मेरे पास सर चार हजार रुपये का सामान है बोलते हो कि नहीं अगर आज हम इसको बेचने जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको चार हजार जैसे आज सोना चांदी अगर रखते हैं तो क्या बोलते हैं सर मेरे पास दस हजार बीस हजार का सोना पड़ा है मेरे पास चालीस हज़ार का सोना पड़ा है तो वही तुम्हारा क्या डिनोट करता है वेल्थ तो यहाँ पे वेल्थ किससे डिनोट करते हैं हम सर उसके शेयर प्राइस क्या ये सब टर्म शेयर प्राइस इक्विटी सुना हुआ है ग्रुप वन ग्रुप वन कियावरीबडी आओ नेक्स्ट बात सेकेंड बताओ सेकेंड ऑब्जेक्टिव hey, हम दो वर्ड बोलेंगे अब प्रॉफिट के साथ साथ अच्छा लगे तो बोलना प्रॉफिट मैक्सिम और कॉस्ट मिनिमाइजेशन चलेगा वर्ड क्या कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉफिट बढ़ाना या खर्चा कम करना बात एक ही है तो लिखो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव यानी पॉइंट नंबर टू क्या है बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट परफेक्ट एवरीबडी लिखना इसके अंदर लिखना इसके अंदर द फाइनेंशियल मैनेजर द फाइनेंशियल मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट And its proper and its proper redistribution and its proper redistribution among among different fund providers among different fund providers. ब्रैकेट में इन्वेस्टर, ब्रैकेट में इन्वेस्ट टू डू सो टू डू सो टू सो ही और शी वॉन्ट्स टू मैक्सीमाइज रेवेन्यू और मिनिमाइज कॉस्ट डू सो और शी वांट्स टू क्या मैक्सिमाइज़ रेवेन्यू और एनहेंस अल्टीमेटली एनहेंस अल्टीमेटली ऑन मोर प्रॉफिट ऑन मोर प्रॉफ़िट ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी की सेकेंडरी लिखना दिस ऑब्जेक्टिव इज दी ऑब्जेक्टिव दिस ऑब्जेक्टिव इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइमरी बीइंग बताओ कौन वेल्थ में दिस ऑब्जेक्टिव इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ में फाइनेंशियल डन है आपको इतना सब यहाँ होता है हमारा मेन बात जो क्या पढ़ने वाले हैं मल्टीमेटली ये तो एक बात बताना जब भी मैं चैप्टर कोई भी कराऊंगा पक्का वो इन दोनों बात से लिंक होगा क्या बताओ पहला पहला कि ये चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है फाइनेंशियल मैनेजर के कौन से काम के बारे में प्रोक्योरमेंट की इन्वेस्टमेंट दूसरा इस चैप्टर में क्या पूर्ति कर रहे हैं हम अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का रोल की इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ये चीज हम पूरा सीखेंगे आप लोग ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना जानते हो बताओ कहां सीखे थे कॉस्ट में कोई फॉर्मेट बताएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट बनाए थे कॉस्ट शीट एक और तरीका था फॉर्मेट बनाने का कॉस्ट शीट क्या वाइज कॉस्ट को बांटता है वेरी गुड एलिमेंट वाइज तीन नाम बताएंगे एलिमेंट वाइज कॉस्ट का एवरीबडी मटीरियल लेबर नहीं क्या वर्ड था करेक्ट एक्सपेंसिजर अच्छा बिहेवियर वाइज दो था याद है वेरिएबल और एक और था सेमी वेरिएबल बट उसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ना वेरिएबल और फिक्स्ड में तो अल्टीमेटली ब्रॉडली दो ही था क्या क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ एक वर्ड का जवाब देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन सुना हुआ है क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऐसा कुछ देखा है पहले मेरे को लिखने देना आपका आपको धुंधला धुंधला याद आ जाएगा जितने लोग भी बहुत पुराना पढ़ क्या आता था यहाँ फिर क्या कर क्या आता था बस, बस, बस क्या ये ध्यान है पता है कॉस्ट में इसको प्रॉफिट बुला रहे थे बट मैं आपको बार बार टोकता था कि ये प्रॉफिट नहीं है धंधे का प्रॉफिट है यानी इसको क्या बुलाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको क्या बुलाते थे बोलो क्या यहीं तक कॉस्ट सीमित था मैंने एक दिन तुमको बोला भी था कि कॉस्ट यहीं तक सीमित है कॉस्ट इसका इसके बाद का दारोमदार उमदार एफ को पकड़ा देता है और आज वो रिले रेस में अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी बात से नीचे का बात ध्यान दो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में यही बात लिखवाया हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अब क्या करना है किन के बीच में किनके बीच में फंड प्रोवाइडर बताओ कौन कौन हाथ फैलाने आएंगे पैसा कमाते ही पैसा कमाते ही हाथ फैलाने कौन आ जाएंगे सारे जितने भी पैसा लगाए थे ले हमको दे हमको दे हमको दे मांगेगा कि नहीं जहां देखा नहीं अमीर आदमी आ जाते हैं ना वो लोग तो सर पैसा मांगेंगे अच्छा सबसे पहले कौन खड़ा रहेगा लाइन में सबसे पहले लाइन में कौन खड़े रहते हैं बताओ सबसे पहले तुम किसको पैसे वापस करोगे सर घर वाले लोग तो घर वाले ही है बाद में देख लेंगे तुम लोग पहले किसको दे देते हैं मेहमानों को पहले मेहमान को खिलाते हैं ना फिर जो बचता है अपने देखते रहते हैं खत्म ना हो जाए लास्ट में जो बचेगा वो हमको मिलना है है ना मम्मी जब कुछ बनाती है और घर पे गेस्ट आते हैं तो क्या होता है पहले वो लोग खाते अपने बस वेट करते हैं कि वो ना बोले जैसे मम्मी हमको बोलती है ना कभी लेके जाओ पुरुषो उनको तो हम बोलते हैं ले लीजिए तो वो बोलते हैं कि नहीं 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 बच और नहीं और नहीं वो तो एक बार नाटक है हम बोल के ठीक है ले <laughs> वो बोला अरे रुको हाँ बोलना था अगली बार में तो हम बोला एक बार में हाँ बोलूँ ना सीधा तो मम्मी क्या बोलती है फिर फोर्स करो नहीं 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 लीजिए ना लीजिए थोड़ा ले लीजिए एक भी वो बोलते थे अच्छा ठीक है लेना उनको पहले से था बट अच्छा ठीक है बोल के लेते हैं ना लास्ट में फिर जो बचता है अपने देखते रहते हैं कि ये बस छोड़ दे आज लास्ट में जो बचेगा वो जब निकलेगा वो तो हमको ही आना है पानती तो ये जो खाना पानती आता है ये घर वालों को बाद में आता है पहले किसको आता है सेम कंपनी कंपनी पहले बोलता है तुम तो घर का आदमी है तुम बैठ पीछे पहले किसको देंगे यानी डेट होल्डर्स को पहले पेमेंट किया जाता है इसको क्या देते हैं बताइए इंटरेस्ट तो इस प्रॉफिट से सबसे पहले क्या डिडक्ट होता है बच्चा लोग इंटरेस्ट और यहाँ से इसका रोल चालू होता है फाइनेंस का ये ये इस लेवल तक को हम बुलाते थे ऑपरेटिंग लेवल क्या बुलाते थे इसको और ये सब काम हम कहाँ सीख चुके हैं तो फाइनेंस बार बार अब वेरिएबल फिक्स नहीं करेगा फाइनेंस सीधा दे देगा ये सब बात आपको इसके नीचे का बात अब कहाँ करना है फाइनेंस में और वो बात कहाँ नहीं किए थे कॉस्ट में इसके नीचे का बात किए ही नहीं थे आज करेंगे बताओ इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है इसको क्या बोलते हैं मालूम टैक्स क्या बुलाते हैं अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट आदमी का रोल आता है मोदी जी उफ मोदी जी का क्या कहना सुनना मेरा बात सुनना मेरा बात मोदी जी बहुत होशियार है और मोदी जी जैसे जितने भी पहले बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर और देश के जितने भी आ, लीडर्स थे वो जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 फ्रेम किए उधर से लेके आज तक कभी इनकम टैक्स एक्ट रीडिफाइन नहीं हुआ है बट वो जब सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट बना उन्होंने पहले इच्छा जागरूक किया सेल्स पे ही टैक्स ले लेते हैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जब सबसे पहले टैक्स लॉस बन रहा था ना बोले सेल्स पे ही टैक्स ले लेंगे जो कमाया वो तो हम जैसे लोग व्यापारी लोग हैं वो हाथ जोड़े उनके आगे क्या कर रहे हो मोदी जी अभी तो मोदी जी से तुमको मैं पूरा पुराने वाले लोगों को संबोधित कर रहा हूँ मोदी नहीं निकलता है मोदी जी निकलता है अपने आप ही ठीक है ना ऐसा और आदमी का सुनो क्या बोले बताओ तो मोदी जी ऐसे मत करो क्या कर रहे हो सेल्स पे पूरा टैक्स ले लोगे तो कैसे चलेगा मैंने वो मोदी जी बोले क्यों क्या दिक्कत है कमाई का नहीं दोगे मेरे को हिस्सा देश नहीं चलाना है हमको क्या तुमको लाइट पत्ती पंखा नहीं चाहिए क्या रास्ता में तुमको रोशनी नहीं चाहिए तब तो हाँ बोल दिए थे हाँ चाहिए ना चाहिए सब चाहिए तो बोला दो योगदान दो कुछ हम लोग को भी रोड वोड नहीं चाहिए रास्ता में कैसे जाओगे पैदल नहीं चलना है हम हाँ चलना है ना तो बोला ठीक है योगदान दो तो जब योगदान देने का बात आया मोदी जी बोले सेल्स पे लेंगे हम बोले मित्रों मित्रों करके यहाँ सेल्स पे टैक्स मांग रहे हैं थोड़ा हाथ पाँव फैलाए अपने भी कि नहीं सर प्लीज़ थोड़ा सा समझिए राजीव यार जोड़े हाथ पांव जोड़े बस तो बोलो सुनो ना मतलब राजीव 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 पता है पहले राजीव ही था पम से उड़ा देंगे दोनों सुनो सुन तो, <laughs> तो मोदी जी सेल्स पे टैक्स मांगने लगे हम लोग का दिल बैठ गया हम लोग बोले सर ऐसे नहीं होता तो बोले तो क्या क्या करना है तुमको बोला सर खर्चा पानी लगता है धंधा चलाने का बोला अच्छा क्या खर्चा लगता है मैंने बोला यार सर वेरिएबल कॉस्ट लगता है बोला ठीक है जाओ वो काटने के बाद टैक्स दे देना कंट्रीब्यूशन पे टैक्स दे देना मैं बोला मोदी जी अभी भी सुनिए सुनिए बोला क्या क्या बोला सर ये सब जो खर्चा लग रहा है रेंट का जो आदमी को सैलरी पे रखे उनको भी तो पैसा देना पड़ रहा है ये जो मशीन वशीन खरीदे उसका डिप्रिसिएशन का क्या बोला अच्छा ठीक है जाओ उसको भी काट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में टैक्स दे देना तो वो बोले फिर से हम बोले अरे सर सुनिए अभी बोला और नहीं सुनेंगे अरे सुनिए तो एक बार सुनिए तो और बोला क्या बोला ये जो पैसा लिए हैं जिनसे जिनसे उनको भी तो पैसा देना बोला हम नहीं सुनेंगे अब बोला अरे सुनिए तो बाहर वाले को तो देने दी बोला बाहर वाले कौन है बोला डेट होल्डर बोला उनको तो पेमेंट करने दो तो पहले क्योंकि उनका पैसा तो मेरे को कंपल चुकाना है अच्छा लगा ये वर्ड क्या बोले कंपल्सरी चुकाना है तो हमको उनका तो पेमेंट करने दो सर उसके बाद जो बचे ले लीजिएगा उसके बाद जो बचा वो ये आया फिर हम बोले सुनिए ना वो बोल रहा है अब सुनेंगे नहीं बोला सुनिए तो अच्छा सुनिए तो हमको ना वो जो मालिक है ना इक्विटी होल्डर उन लोग को भी पैसा देना है सर तुम तो बड़ा होशियार निकल रहा है अब धीरे धीरे उनको तो तुम बोल देगा हम पूरा दे दिए और क्या लास्ट में दिखाओगे जीरो प्रॉफिट टैक्स दोगे ही नहीं लाभ नहीं सुनेंगे तुम्हारा बहुत सुन लिए कहीं आके रुकना पड़ा उसको द कंसेप्चुअल पार्ट वॉज जहाँ तक कंपलसरी पेमेंट्स था वहाँ तक गवर्नमेंट आपको खर्चा अलाउ करता है उसके बाद गवर्नमेंट क्या बोलता है पहले टैक्स दे फिर बाकी का पैसा किस में बांटना मालिकों में बांट तो पहले क्या लिया वो अब टैक्स इसके बाद किसका एलिमेंट आया जीवन में आपके टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ चुके हो आप मैं तो बस बता रहा हूँ कहाँ से हटता है ये आप तो ये कंप्यूटेशन सब सीख चुके मैं तो बस बता रहा हूँ क्यों यहाँ से हटता है और 1961 में ऐसा क्या बातचीत छिड़ा होगा जिसके कारण से ये आया था हम था उस समय तब का बात है हाँ कोई तो होंगे हम भी कुछ होंगे व्यापारी तो होंगे कोई ना कोई होंगे ऐसा पाप किया कि वापस धरती में भेज दिया हमको क्या डर ना बात आपको तो बताइए क्या ये वाला चीज जो हम आपको बताए क्या कंसेप्चुअल लगा आज आपको टैक्स कहाँ से कटता है टैक्स अल्टीमेटली उस प्रॉफिट से कटता है जो प्रॉफिट अल्टीमेटली तुम नहीं तो किस में बांटते मालिकों में उससे पहले गवर्नमेंट बोलता है हमको दो मालिक से पहले हमको दो बाहर वाले को दे दो उसके पहले हमको दो क्या ये लोग तुम्हारे स्टेक होल्डर्स होते हैं क्या मेरा प्रिंटिंग हाउस मेरा स्टेक होल्डर्स है शेयर होल्डर नहीं बोले क्या बोले स्टेक होल्डर है है कि नहीं क्या मेरे को जो आ, सैलरीड एम्प्लॉयड है वो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं पहले इनको दे दो शेयर होल्डर्स को मत देना पहले हमको इसलिए गवर्नमेंट भी एक कौन बनता है एक होल्डर वो तो बोलता है हम लास्ट स्टेक होल्डर बने उसके बाद जो होगा वो शेयर होल्डर्स को दे देना तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आया बताओ इसके बाद टैक्स जो भी एक फाइनेंशियल इशू बट इट इज अगेन अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज बेस्ड ऑन दिस अमाउंट और आप जानते हो आज का एक रफ रेट अगर बोलू तो थर्टी परसेंट रहता है यानी इट इज अ परसेंटेज ऑफ ई चलेगा अच्छा लगा ये बात इट इज़ आ बट ये अलग अलग तरीके से निकलता है मेरे को होशियारी मत दिखाना तुमको आता होगा हम बन चुके हैं सी तुम्हारे पास जो वो स्लैब सिस्टम है हमको मत सिखाना हम एक फ्लैट रेट बता रहे हैं क्या बताओ तीस कंपनी के लिए अभी पच्चीस चल रहा है शायद शायद तीस चल रहा है कि पच्चीस चल रहा पच्चीस चल रहा है शायद पच्चीस चल रहा है मेरे को नहीं मालूम हमको नहीं मालूम पच्चीस चल रहा होगा तो ये कटेगा तो क्या आएगा बताओ ये क्या आएगा बताओ अगर इससे पहले वाले को आप अर्निंग बिफोर टैक्स बुलाते तो इसके बाद को क्या बुलाओगे ब्रह्मा ब्रह्मा पावर आप लोग नाम दे दोगे बताओ क्या अर्निंग आफ्टर टैक्स पता है इसी चीज को आप अकाउंट्स में इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते थे और इसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते थे सर बट नॉन ऑपरेटिंग खर्चे वो मैंने बोल दिया इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ नॉन ऑपरेटिंग खर्चा और भी होगा तो कटेगा बट अभी मैं मेन मेन बात कर रहा हूँ आपको बात जैसे ही आता है अब कौन आएगा सामने मालिक ऐसे बोलो मालिक शेयर होल्डर मत बोलो अच्छा नहीं लगेगा आप शेयर होल्डर वर्ड अभी तक नहीं समझ रहे हो शेयर होल्डर मतलब कौन कंपनी के मालिक दो तरीके के मालिक होते हैं। दो तरीके के मालिक हमने सेग्रीगेट करके रखे हैं कंपनी में एक को बोलते हैं विथ प्रेफरेंशियल राइट कभी भारी शब्द क्या बुलाते हैं उनको विथ प्रेफरेंशियल राइट एंड दे कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर दूसरा राइट्स राइट क्या बुलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर ये जो दो टाइप के होल्डर्स होते हैं इनमें सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कमाई देते हैं क्योंकि उनका भी कुछ 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 कैरेक्टरिस्टिक डिवेंचर होल्डर जैसा है सबसे डोगला आदमी अगर कोई कंपनी में है

ऑनवर्ड इसीलिए इसका अभी तक पता है इसका इज्जत देने के लिए ऐसा डोगलापन लोग को कभी भी इज्जत मिला ही नहीं कहीं कोई बार कभी बोलते हैं कोई क्या कि ये कहाँ के हैं बोलो डेट वालों के साथ है और कभी क्या होता है ये इसलिए फाइनेंस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है इसका जगह इसको ओन फंड में डाले कि इसको बोरोड फंड में डाले वो बोलता है इसका इसका नेचर के हिसाब से इसको डालेंगे जैसे कि जब पेमेंट का बात आता है ये मुंह खोल के खड़ा हो जाता है कि हम कौन है हम कौन है आई, हम कौन है हम कौन है बोलो ना हमको कंपलसरी पेमेंट चाहिए मेरे को पहले पेमेंट चाहिए हमको वो डिविडेंट रेट चाहिए और जब जब बात आता है तुम्हारा कि बैलेंस शीट में कहा जाएंगे हम क्या कहलाएंगे तो क्या बोलता है एक तरफ हम मालिक अरे एक तरफ बोलते क्या हो तुम मेरे को क्या दो कंपलसरी पेमेंट क्या तौर पे प्रेफरेंस डिविडेंड और एक तरफ क्या बोल रहे हो मालिकाना भाई हक दो हमको बैलेंस शीट में ऊपर दिखाओ तो इस वजह से इस सब्जेक्ट में भी हम प्रेफरेंस शेयर को दो बार दो अलग अलग तरीके से बोलेंगे जब पेमेंट का बात आएगा ये एक तरीके से कौन होंगे बताओ डिवेंचर जैसे यानी इनको कि कब पेमेंट करेंगे पहले किसके पहले इक्विटी के पहले और जब बैलेंस शीट में दिखाने का बात आएगा तो हम इनको इक्विटी के साथ दिखा देंगे ठीक इक्विटी के नीचे इनको लिखते हो है कि नहीं इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद अगला बात क्या लिखते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते हो कि नहीं तो बोलो बात समझ में आ रहा है तो अब इसके बाद किन को पेमेंट करते हैं सर प्रेफर यानी प्रेफरेंस का पेमेंट टैक्स के बाद होता है याद रखना पहले कौन ले गया पैसा गवर्नमेंट ठीक इसके बाद कौन गया बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड पे होने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम देखो क्या बुलाते हैं नामकरण एवरीबडी बहुत प्यारा सा नाम है क्या वर्ड बोले बोलो तो आफिश क्या वर्ड है बोलो तो एनी बडी फुल फॉर्म ट्राई लेना चाहेगा ट्राई <laughs> लेना चाहेगा इतना तो समझ चुके हो गए ये समझ गए हो गए देख इट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या बुलाते हैं इसको अर्निंग अवेलेबल फॉर ये वो पैसा है जो अब किसके लिए रखा गया है अभी भी ये पैसा किसको नहीं मिलता मालिक को क्योंकि अब जिम्मेदारी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि हम इसमें से कितना पैसा हाथ में दे देंगे या जितना पैसा हम अभी भी कंपनी में रखेंगे जिसके थ्रू आप पढ़ते हो कि इधर से जो पैसा किसको बांट देते हैं मालिक को वापस बांट देते हैं उसको क्या बुलाते हो इक्विटी डिविडेंड क्या बुलाते हैं बताओ जैसे ही ये बंटता है उसके बाद भी अगर कुछ बचा है तो वो कहाँ चला जाता है आप लोग रिजर्व एंड सरप्लस में फेंकते हो रिटर्न अर्निंग में फेंकते हो ना बैलेंस शीट में बस वही दिस अमाउंट इज वॉट ट्रांसफर टू अल्टीमेटली बैलेंस शीट ये जो पूरा बात बोला इसको क्या बुलाते हैं बताओ हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जैसे पीएल बनता है ना अकाउंट्स में जैसे कॉस्ट में कॉस्ट शीट बनता है वैसे एफ में क्या बनेगा हमेशा एक इन। जिसको इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया फाइनेंसिंग क्योंकि फाइनेंस में सबसे मेन बात क्या सीखना है इनकम स्टेटमेंट क्या आपको लॉजिकल लगा सबका प्लेसिंग कैसे कैसे कौन आया लाइन से कौन आया मोदी जी कब आए सब क्लियर है क्या लिखना चालू करे पॉइंट नंबर थ्री लिखो इनकम स्टेटमेंट इन फाइनेंस पॉइंट नंबर थ्री मतलब पहला पॉइंट क्या था ए था क्या तो पॉइंट नंबर सी लिखेंगे ए क्या था ए बी क्या था तो पॉइंट नंबर सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेसिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेसिक्स इज इनकम स्टेट इनकम एक बार मैं लिख नहीं रहा हूं आप आधा तो आप बना सकते हो बताओ कहां तक वहां तक वहां तो आप जानते हो कहां से जानते हो Post से जानते हो कॉस्ट में पढ़े हुए हो ये जो भी कहीं भी सीखे हो पढ़े हो तो कई लोग तो एग्जाम दे के बैठे हैं तब क्या टेंशन चलो चालू करते हैं सबसे पहला एलिमेंट लेस वॉट ओके यानी यहां पे हम इस तरीके से बोल बिहेवियर वाइज मैटर कर आता है बताओ वेरी गुड इसको क्या बुलाते थे सर याद है ना कंट्रीब्यूशन जो तो पैसे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने लेस वॉट क्या आता है फिर क्या आता है हाँ हाँ एक मिनट सुनना यहां तक लिखे हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइनेंस में अब हम बुलाएंगे ई बी आई टी फुल ट्राई ले लो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सुनावा होगा यह सब बात वैसे कॉस्ट में भी एक चैप्टर में किए थे बजट में मास्टर बजट जब बनाए थे तब मैंने ये बात पढ़ाया था बजट ऑफिसर जो स्टेटमेंट बना के सीएफओ को प्रेजेंट करता है कि भाई क्या सब भूल गए सर शहरी में पड़े याद, याद है याद है यही तो फाइनेंस का रोल है यहीं से तो बोले थे नीचे का बात और था एक क्वेश्चन और किए थे बट उसमें यहाँ का बात आया नहीं था कॉस्ट वहीं तक रुक गया था लास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो उसके बाद का बात करता ही नहीं था अब करेंगे क्या डन है आपको बात इसको क्या बुलाते हैं बताओ ई बी आई टी फुल फॉर्म लिखेंगे बोलिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट तैयार है सब यहाँ तक तो ई बी टी इसको क्या बुलाते हैं सर ई बी टी नेक्स्ट वाले को क्या अर्निंग बिफोर टैक्स सर ये ई बी टी वही है सर नेट प्रॉफिट बिफोर जो हम अकाउंट्स में सुन याद है यहीं तक आपका पीएल बनता था इसके बाद आप पीएल एप प्रो बनाते थे जहाँ आप सबसे पहले लिखते थे प्रोविजन फॉर टैक्सेस और हम भी सबसे पहले वही काम कर रहे हैं फिर आप लिखते थे वो डिविडेंड्स याद है ना हम भी वही कर रहे हैं और जो बचता था वो ट्रांसफर टू हम भी वही कर रहे हैं बट हम पी एल प्रो नहीं बोल रहे हम सबको एक इनकम स्टैक्स क्या धन्यवाद आपको बताओ लेस वॉट नेक्स्ट आइटम टैक्से टैक्सेस इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ ईबीटी सही बात बोल रहा हूं यानी ईबीटी होगा तो ये उसका सर्टेन परसेंट बोल के कट जाएगा जैसे ही ये हटता है तो क्या आता है बताइए फुल फॉर्म पहले लिखेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स इसको अगर शॉर्ट में बोले तो ईट और ये नेट प्रॉफिट पीजी आगे बढ़े नेक्स्ट लेस लेस व्हाट व्हाट प्रेफरेंस डिविडेंड यानी पहले इनको देंगे अब इसके बाद जो पैसा बचता है उसको क्या नाम देते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं अफीज बड़ा प्यारा नाम है बोलते ले रहा है अफीज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इससे क्या माइनस कर सकते हैं इच्छा हो तो देंगे क्या इक्विटी डिविडेंड और जितना इच्छा हो उतना देंगे उसके बाद जो बचता है उसके बाद जो बचता है ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस इसको आप रिटेन अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर टू रिजर्व एन यही बचपन में पीएल बनाते थे वही है ट्रेडिंग पीएल सबको एक स्टेटमेंट को प्रस्तुत करना एक स्टेटमेंट में लिख देने को क्या बुलाते हैं बताइए इनकम एक एग्जांपल लिखेंगे जिससे आप इसका सम्स को पूर्ति करेंगे लिखिए एग्जांपल यहाँ तक का बात बताइए क्या है यहां तक का बात इधर तक का बात क्या है ऑपरेटिंग लेवल इन सब लेवल को क्या बुलाते हैं और इसके नीचे का बात क्या है बताइए फाइनेंसिंग लेवल लिखिए दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एंड दिस वॉज फाइनेंस या फाइनेंस यहाँ फाइनेंस का काम चालू होता है वहाँ कॉस्ट का काम था इसलिए अब देखो वो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कम है नीचे वाला पार्ट हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे कॉस्ट में हम ऊपर वाले पार्ट को ज्यादा इज्जत देते थे शीट बना के और उसमें भी सेग्रीगेशन सीखते थे अब वहाँ हमको वो सब बात से लेना देना नहीं है अब हमको ये नीचे वाला बात से डन एवरीबडी पक्का आगे बढ़ सकते हैं लिखो एग्जाम्पल नंबर वन लिखो एग्जाम्पल नंबर वन फॉलोइंग आर दी डिटेल्स For 2023। एंड ट्वेंटी थ्री अलार्म साढ़े बारह बजे उठने का टाइम होता था क्या खाना याद दिला रहा है क्या तुमको खाने का भी अलार्म होता है क्या भूख लग गया होगा खुद को पता नहीं चलता है ना

वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू रुपीज हंड्रेड ठीक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू रूपीज टेन लैक्स इक्वल टू रुपीज टेन लैक्स कंपनी बोरोड कंपनी बोरोड ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स कंपनी बोरो कर रहा है ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर समझ में आता है ना इश्यू करना मतलब पैसा उठाया इसके बदले कंपनी बोरोड ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर ऑफ रुपीज ऑफ रुपीज टेन लाख स्टॉप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पैकेट में रुपीस हंड्रेड इच इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू फिफ्टीन लैक्स इक्वल्स टू फिफ्टीन लैक्स फुल स्टॉप प्रेफरेंस डिविडेंड रेट प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इज इक्वल्स टू फोर्टीन पर प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इज इक्वल्स टू फोर्टीन पर ठीक है इज़ इक्वल्स टू फोर्टीन परसेंट नीचे लिखना इसके बाद कैलकुलेट आफेश एंड अर्निंग पर शेयर इफ इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में रूपीज टेन इच इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में रुपीज टेन इच इज़ इक्वल्स टू रूपीज एट लैक इज़ इक्वल्स टू रुपीज एट एस ट्वेंटी हो गया आपका ग्रुप टू में ही है अच्छा टैक्स रेट नहीं दिया ना देखो टैक्स रेट इज इक्वल्स टू थर्टी परसेंट टैक्स रेट इज इक्वल्स टू थर्टी परसेंट एक नया चीज मांग लिया आपने आपने सिखाया नहीं है ठीक है तो मैं ऐसी छोड़ दिया आपके ऊपर देखते आप लोग सोच सकते हो कि नहीं क्या नया चीज मांग लिया बोलो तो ईपीएस ऐसी छोड़ दिया देखते कुछ ज्यादा टेक्निकल तो था नहीं आप फॉर्मूला बता देना और निकाल देना मैं जितना मांगा वहां तक तो बताओ जितना तक आता है वहां तक तो करो रेडी आफेज तक आ गया क्या आफेज तक सेल्स कितना है लेस वेरिएबल कॉस्ट तो कॉन्ट्रीब्यूशन लेस क्या आता है ये अब हम देखो वर्ड चेंज करेंगे थोड़ा फाइनेंस की भाषा में लिखेंगे इसको क्या बुलाएंगे बताओ ई बी आई टी चलेगा ये वर्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट लेस वॉट इंटरेस्ट निकालना आता है कितना कितने पे दस लाख ,00 के डिवेंचर्स पे बारह परसेंट का इंटरेस्ट पे करते हैं ध्यान से सुनना और ये इंटरेस्ट कितना आया इसको डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है एटीन लाख एट्टी थाउजेंड इस पे गवर्नमेंट टैक्स लेता है कल हम इन सारी बातों को वापस पूछेंगे आपसे और देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कल सीखोगे पहली बार कुछ फाइनेंस लेवल बात कल से सीखोगे पहली बार बताओ टैक्स कितना परसेंट बोला तीस परसेंट कितना फाइव लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड तो ये डिडक्ट होने के बाद ईट कितना थर्टीन लैख सिक्सटीन थाउजेंड लेस क्या प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का पंद्रह तो लाख का चौदह परसेंट कितना दो लाख हजारेस कर दिए तो क्या आ गया बताओ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आया ग्यारह लाख छ हजार क्या यहां तक कर पाए थे ये होता है आफेश, बट सम्स मांगा एक और चीज ईपीएस सिखाया ही नहीं हूं सिखाया ही नहीं हूं नाम से समझ में आ रहा होगा एक एक शेयर पे कितना अगर टोटल इतना तो एक एक शेयर पे कितना यानी ईपीएस का फॉर्मूला आफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर माइंड योर वर्ड्स शेयर्स नहीं इक्विटी शेयर रेफरेंस नहीं सिर्फ कौन इक्विटी क्योंकि अर्निंग भी ऊपर किसका लिए सिर्फ इक्विटी का अब इस ईपीएस से कुछ क्या मिलता है मालूम डिविडेंट और कुछ क्या रह जाता है घर पे रिटेन बट ईपीएस निकालने का तरीका इज वॉट आफ एज डिवाइडेड बाई नाम से समझ में आ रहा होगा एक एक शेयर पे कितने का अर्निंग है अब इसमें से कुछ डिविडेंड के तौर पे मिलता है कुछ कंपनी अपने पास रख लेता हो सकता है कुछ भी ना मिले पूरा का पूरा रख ले हो सकता है पूरा दे दे कुछ भी ना रखे कुछ भी परम्यूटेशन है तो ऊपर जाके पहले जहां आपने नोट्स लिख रहे थे यहां तक लिख लिए थे आप अगर आपके पास एक लाइन का भी जगह है तो पी एस इज इक्वल टू लिखोगे बताओ ईपीएस का फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू बोलो फॉर्मूला नॉट ट्रांसफर वाला बात क्या लिखेंगे बताओ डिवाइडेड बाई वॉट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नंबर ऑफ वॉट इक्विटी से अपने सम्स का आंसर बताओ EPS पी एस सी टू रुपीज इलेवन लैक सॉरीयर है क्योंकि आठ लाख ,00 का कैपिटल था दस रुपया करके तो नंबर ऑफ शेयर काम आप बहुत बार अकाउंट्स में किए तो आठ अस्सी हजार शेयर आ गया रुपीज कितना? पर ऐसे लिखते हैं रुपीज थर्टीन पॉइंट एट फाइव इट्स बींग वन पॉइंट फाइव आवर्स यू आर स्टडिंग और आज पहला क्लास है इतना बहुत है आपके लिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे एक लेवल ऊपर बात करेंगे कि क्या जो मैं मोदी जी वाला बात कर रहा था वो आपके फाइनेंस को कैसे इफेक्ट करेगा डन टैक्स विथ फाइनेंस कल चलेंगे ठीक है टाटाबा बाय आज नहीं पहले दिन नहीं